नमस्कार, मैं हूं पूजा पिपलीवाल। आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। देखिए विशेष खबर, निजी चिकित्सालय में हुई कोरोना से मृत्यु की जानकारी जुटाए प्रशासन, साथ ही कोविड से हुए दिवंगत जनों के परिवारों को शासकीय योजना का लाभ प्राप्त हो, उक्त बात कांग्रेस नेत्री स्नेहलता विजय शर्मा ने कही। नीमच जिले में हुई कोरोना से मृत्यु दर को जिले में बीते 48 दिनों में 10 संस्कार 425 के करीबन हुए, लेकिन जिला चिकित्सालय सिर्फ 49 मौतों का आंकड़ा बता रहा है। प्रशासन द्वारा शासकीय चिकित्सालय में हुई मृत्यु दर ही शासकीय रिकॉर्ड में अंकित हुई है, वो भी आधी अधूरी। जब 48 दिन में 425 दाह संस्कार हुए हैं, तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं बताया गया? जवाब दे ही जवाब दे। निजी चिकित्सालय में कोविड मरीजों ने चिकित्सा लाभ लिया और सैकड़ों लोगों की जान इस कोरोना की वजह से गई है, लेकिन वो रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया जा रहा। कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में भर्ती रहे मरीजों का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ तो है, उन्हें सोची समझी रणनीति के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र या चिकित्सालय से कोरोना मृत्यु का कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज नहीं दिया गया। अधिकांश केस में टाइफाइड या अन्य बीमारियों से मृत्यु होना बताया जा रहा, ताकि दिवंगत के परिवारजनों को आर्थिक और शासकीय लाभ नहीं मिल सके। एक और तो प्रदेश के मुखिया शिवराज जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और परिजनों को 1 लाख रुपए देना, तथा कोई शासकीय कर्मचारी था तो उसको 5 लाख का बीमा उसके परिवारजनों को देने की घोषणा की, लेकिन ये योजनाएं भी महज फाइलों में रहकर धूल ही खाएगी। यदि सही सही जानकारी प्रशासन ने नहीं ली तो साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 मार्च के बाद वालों को कोरोना से मरने के परिवारजन को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, लेकिन कई कर्मचारी एवं अनेक लोग ऐसे हैं जिनके परिवारजनों की मृत्यु 1 मार्च से पहले कोविड के चलते हुई है, उन्हें भी शासकीय योजना का लाभ प्राप्त होना चाहिए। सरकार के इस तारीखों के फेर में वो लोग को क्यों वंचित रहें? शासकीय चिकित्सालय ट्रामा सेंटर की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं। खुद भाजपा विधायक माधव मारू ने भी आपदा प्रबंधन में इस बात का जिक्र किया था कि ग्रामीण जन जिला चिकित्सालय को मौतों का अस्पताल समझते हैं। ऐसे में अधिकांश ग्रामीण जनों ने अपने परिवारजन को बचाने के लिए निजी चिकित्सालय में इलाज करवाया। कुछ मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली, कुछ की दुर्भाग्यवश मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनको शासकीय रिकॉर्ड में कोई जगह नहीं मिल पाई, ऐसे में उनके परिवारजनों को शासकीय लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही श्रीमती शर्मा ने कहा कि ऐसे सभी परिवार के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उन्हें उनका हक दिलाने। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि शिवराज जी मेरा हेलीपैड लेकर जाएं और गांव-गांव में सर्वे करें, वास्तविकता सामने आ जाएगी। भाजपा के पदाधिकारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, तो यदि जनता के हक की आवाज उठाना आपकी नजर में राजनीति है तो यह राजनीति हम बार बार करेंगे, लेकिन हितग्राहियों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे। त्योहारों पर वस्त्र की जगह दुकानों पर कफन बिके हैं, लेकिन मुखिया की नजर में प्रदेश में मौतों का आंकड़ा सामान्य है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर, हमारी सेवाएं जनरल आइटम ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग व मसाज कार्य व दुल्हन ज्वेलरी किराए से उपलब्ध है। एक बार आपके अपने संस्थान पर अवश्य पधारें। हमारे संपर्क नंबर 9131549575 9713183473। आत्री माता, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रज्ञा
ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर।